दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका पशु केयर में। दोस्तों मैं डॉक्टर विशाल सिंधवानी आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा एक ऐसा डेयरी फार्म जिसमें गाय और भैंस दोनों ही हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाई हैं डेयरी फार्म की, उसमें या तो गाय होती थी या भैंस होती थी, पर दोस्तों आज जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा उसमें गाय और भैंस दोनों ही हैं। और दोस्तों इस डेयरी फार्म को देखकर आप सभी को समझ आएगा कि हमें गाय और भैंस में से किसे ज़्यादा महत्वता देनी चाहिए, किसे रखना चाहिए, और दोस्तों इनके जो खान पान में कितना फ़र्क आता है, जो इनकी दिनचर्या है वो कैसी होती है, इसे आपको पता लगेगा। और दोस्तों जो पशुपालक भाई अपना नया डेयरी फार्म खोलने की सोच रहे हैं, जिन्होंने अभी मन बनाया है कि हम अपना डेयरी फार्म करते हैं गाय से करें या भैंस से करें, उनके मन में शंका आ रही है, तो आपको इस वीडियो को देखकर काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों ये डेयरी फार्म है तहसील पिहोवा में, जो कि कुरुक्षेत्र ज़िले में है। और दोस्तों इस डेयरी फार्म का नाम है शर्मा मिल्क डेयरी फार्म। मिलते हैं श्री अमित शर्मा जी से, जो कि इस डेयरी फार्म के मालिक हैं, और ये हमें बताएंगे कि गाय और भैंस ये दोनों ही रखते हैं, तो इनमें कितना अंतर आता है इनके दिनचर्या में, इनके खान पान में और इनके रहन सहन में। और दोस्तों ये भी पता लगेगा कि हमें गाय से शुरू करना चाहिए या भैंस से शुरू करना चाहिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं जी आप? बिल्कुल बढ़िया सर। हाँ जी, हाँ जी सर, आपको ये डेयरी फार्म करते हुए कितना समय हो गया? सर लगभग मेरे को 5 साल हो गए इस डेयरी फार्म को करते हुए। उससे पहले मैंने पशु अपने प्राइवेट घर के लिए रखे हुए थे, लेकिन इसको लार्ज स्केल पे मैंने अभी लगभग 5 साल से किया। सर आपके पास कितने इस टाइम पशु हैं, गायें कितनी हैं, भैंसें कितनी हैं? इस टाइम मेरे पास लगभग थोड़ा सा मैंने कम किया हुआ है, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा मार्केट में जो है रेट जो वगैरह है काफ़ी उसमें डिफरेंस है, लेकिन पहले मैंने 40-50 पशु तक रखे हुए हैं, जिसमें कि लगभग 20 गायें और लगभग 30-35 भैंस थी। लेकिन अब यह है कि मेरे पास 10 गायें और लगभग 18 के करीब भैंसे हैं। तो सर ये जैसे आपके पास गायें भी हैं भैंसे भी हैं, तो इनमें से मेंटेनेंस किसकी सबसे ज़्यादा होती है, गाय की होती है या भैंस की? देखिए मेंटेनेंस का अगर खाने पीने के लिए लगाओ तो वो तो भैंस के लिए होता है, लेकिन डॉक्टरी वाइज जाएँ तो फिर वो जो है गाय का ज़्यादा होता है। गाय बीमार ज़्यादा होती है, उसकी केयरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, उसको गर्मी सर्दी में दोनों में अपना जो है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे उसको चिचड़ियों का बुखार, चिचड़ लगना, इसको कि हिंदी में चिचड़ कहते हैं, वो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा होता है, फ़र्क होता है। और जब एक बार उसके थन जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं चिचड़ की वजह से, और जो भैंस होती है उसके ऊपर मेडिकल का उसके ऊपर कोई वो नहीं है जाना। तो सर जैसे रेट की बात करें, तो जब हम गाय खरीदने जाते हैं भैंस खरीदने जाते हैं, तो कितना फ़र्क मिलता है आपको? देखिए जी, गाय का ऐसा है कि जो गाय है वो लगभग 50,000 के अंदर ऐसी गाय मिल जाती है जो कोई 20 लीटर 18 लीटर तक का दूध देती है। लेकिन जब हम इसी रेट की इसी उसका क्वालिटी की अपना वो लेने जाएं, भैंस लेने जाएं, तो हमें 2.5 लाख 2 लाख काफ़ी रेट में फ़र्क आ जाता है। बहुत रेट में बहुत वेरिएशन आ जाता है। बाकी गायें दूध ज़्यादा देती है भैंस के मुकाबले में? देखिए गायें दूध भी ज़्यादा देती है और गायें लॉन्ग टाइम भी दूध देती है। लॉन्ग टाइम दूध देती है। और उसकी जो है रिसाइकिलिंग का टाइम भी जो है वेरी फास्ट है। जबकि भैंस का इतना फास्ट नहीं होता। और भैंस जो है वो 6-7 महीने तक की जो अच्छी भैंस होगी, अच्छी नस्ल की होगी, वो 7 महीने से ज़्यादा दूध नहीं देगी। जो इनका इंटरकाविंग पीरियड होता है, यानी कि 2 ब्यांत का टाइम होता है, वो भैंस में वैसे ज़्यादा होता है वैसे। तो सर इनके खान पान में कितना फ़र्क आता है गाय की और भैंस के? गाय और भैंस के मैंने वही बात कही, जैसे रेट में इसका 50% का मार्जिन होता है, इसके अपना खाने पीने के अंदर भी 50% का मार्जिन होता है, क्योंकि भैंस को जो है वो फैट ज़्यादा चाहिए, पौष्टिक ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वजन के हिसाब से भी लगाइए आप देखेंगे तो वज़न भी ज़्यादा होता है। जितना ग्रोथ ज़्यादा होगी उतना वज़न भी ज़्यादा होगा, खाना भी ज़्यादा खाएगी। ये तो बेचारी अपना गऊ माता है हमारी, हाँ वो उतना ही कम खाएगी। और इसको तो आप हरा खिला दीजिएंगे तब भी अपना इसका ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन उसका ये है कि उसको पूरा सब कुछ सप्लीमेंट्री वगैरह सब कुछ देना पड़ता है, भैंस को पूरा देना पड़ता है, पूरा देना पड़ता है। फैट भी उसका ज़्यादा आता है ना, 8% फैट उसका, अगर 8 फैट लेना तो उसको पूरी ग्रोथ चाहिए, उसको दलिया भी चाहिए, उसको मिक्सचर भी चाहिए, उसको खल भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। तो सर जो कोई भाई नया डेयरी फार्म खोलना चाहता है तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, गाय से करनी चाहिए या भैंस से करनी चाहिए? देखिए ये इसके लिए आपको पहले चूज़ करना पड़ेगा कि आप कहाँ रह रहे हो, लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी। आपने जो मिल्क की सप्लाई है वो कहाँ करनी है, मिल्क की सप्लाई अगर आपने गाँव में करनी है तो अगर आप गाँव में गाय का दूध दोगे तो आप फेल बिकेगा नहीं। अगर आप सोचोगे कि हाँ जी यहाँ पे रख के और हम गाय का कर लेंगे तो प्रोडक्ट आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि गांव के लोग छोटे शहर के लोग जो है वो पहले उनका है भैंस का दूध जी प्रेफर करते हैं।
हाँ, अगर आप शहर के साथ हो, किसी बड़ी सिटी के साथ हो, आप गाय का काम कर सकते हो। गाय में बेनिफिट भी है, कम खर्चा भी है, कम खर्चे में और सब कुछ अच्छा है। अगर आपको 1 लाख के अंदर एक भैंस मिलती है तो आपको 1 लाख के अंदर दो गाय मिल जाएगी। और अगर आप 20,000 रुपया अपना महीने का अगर इन्वेस्ट कर रहे हो भैंस के ऊपर, तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी जो पशु की अपने चारे की है वो 10,000 की होगी। उस हिसाब से आपको मेंटेन कर, लेकिन आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आप गांव में रखना है कि कहाँ रखना है। लोकेशन देखनी पड़ेगी आप क्या सेल कर सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये, मतलब गांव में अगर हम गाय का डेयरी फार्म करते हैं आप तो गांव में रख लो, लेकिन आप ये देखो कि आपकी सेल कहाँ है, सेल कहाँ पे हो रही है। ये नहीं मैं कह रहा कि आप गांव में कंज्यूमर, आपने कंज्यूम कहाँ करना है अपना दूध। ठीक है नहीं, अगर आप सोचो कि मैंने तो जाके कुरुक्षेत्र में देना है, डालिए उसको, गायों को डालिए, जितना मर्जी बढ़ा कीजिए। लेकिन जैसे आपको तो यहाँ पे आप कहीं बेचने नहीं जाते दूध, मेरा तो यहीं बैठे बैठे यहीं बैठे बैठे बिकता है, तो आपका गाय का भी बेनिफिट है आपको। मेरे को गाय का भी है और स्टंप दोनों का है, क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल लोगों का ट्रेंड चेंज हो गया, लोग बच्चों को जो है गाय का दूध पिलाना शुरू कर रहे हैं। पहले नहीं था, लेकिन जितना भी है डिमांड वो बच्चों फैट की तरफ भी ध्यान जाता है ना। फैट आजकल जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उसके लिए भी लोग अपने आप भी ये यूज़ करने शुरू कर दिया। ऐसी बात नहीं है कि लोग अपना भी, एडल्ट लोग नहीं पी रहे, सब पी रहे हैं आजकल। तो सर आपके जैसे भैंस का दूध का रेट क्या रेट जा रहा है इस टाइम? देखिए मैं इस टाइम 65 भैंस का दे रहा हूँ और 45 इसका गाय का। हाँ जी, तो आज श्री अमित शर्मा जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें कि हमें अपना डेयरी फार्म अगर शुरू करना चाहते हैं तो गाय से शुरू करें या भैंस से शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अमित शर्मा जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।